जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के उपाय। काम ना करें तो करें ये महा उपाय। ये उपाय शनि को बिल्कुल शांत कर देता है। जी हाँ, महा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। यह ऐसा उपाय बताया जा रहा है जो शनि को बिल्कुल शांत कर देता है, परंतु शनि ग्रह को पूर्णतः शांत करने से पूर्व आपको जन्म कुंडली का अवलोकन करवा लेना चाहिए। किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाइए और अपनी कुंडली का अवलोकन करवा लें। आमतौर पर शनि ग्रह के लिए तेल दान करना, पीपल पर जल चढ़ाना, किसी साधु को तवा, छतरी, जूता दान करना जैसे उपाय बताए जाते हैं, परंतु यदि शनि मारक स्थिति पर आ जाए यानी शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तो यह महा उपाय किया जाता है। जैसे किसी को जेल यात्रा होने वाली हो या कोई नुकसान होने वाला हो, शरीर का कोई अंग काटने को बोला गया हो, तो यह उपाय करने से आप शनि को शांत कर सकते हैं। ये महा उपाय तभी करें यदि शनि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि लाल किताब के इस उपाय का साइड इफेक्ट भी है। जहां बुरे फल खत्म होंगे वहां अच्छे फल भी खत्म हो जाएंगे। तो पहले ये देखना चाहिए कि क्या शनि हमें कुछ अच्छा दे रहा है। यदि दे रहा है तो फिर ये उपाय तेरा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बुरे फलों के साथ साथ वे अच्छे फल भी मिलने बंद हो जाएंगे। इस उपाय को हम सभी करते हैं, परंतु तभी करवाते हैं जब किसी की जान को खतरा हो या कोई बहुत भयंकर परिस्थिति में फंसा हो, वरना हल्के फुल्के उपाय ही किए जाते हैं। ये हम तभी करवाते हैं जब कोई खतरा हो। जैसे मैंने पहले बताया, यदि खतरा नहीं है तो फिर ये उपाय मत कीजिए, फिर आप हल्के फुल्के उपाय कीजिए, उन्हीं से आपको लाभ मिलेगा। ये उपाय बिल्कुल जब शनि को जीरो करना हो, शांत करना हो, तभी करें, वरना आपके अच्छे फल भी समाप्त हो सकते हैं। इस महा उपाय से जहां शनि के बुरे फल मिलने बंद होते हैं, यदि वह अच्छे फल दे रहा हो तो वह भी बंद हो जाते हैं। जैसे कि इसे करने से व्यक्ति के फैक्ट्री आदि में लगे वर्कर भागने लगेंगे। यदि आपका कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो वर्कर भाग जाएंगे, आपके कुछ एक वर्कर निकल जाएंगे। यदि आप ऐसा नुकसान सह सकते हैं तभी आप ये उपाय कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की टांग कटने वाली है तो उसे ये उपाय करना चाहिए। शनि की वजह से किसी की टांग काटी जाती है या शनि ने कोई गंभीर रोग दे दिया है तो ये उपाय करने से जान बच सकती है। शनि जेल यात्रा करवाने वाले हैं तो यह उपाय करने से आप बच सकते हैं, परंतु स्मरण रहे कि इसके साथ साथ जो शनि आपको दे रहे हैं, पैसा, धन, दौलत, यदि कुछ दे रहे हैं तो वह भी चला जाएगा। इसलिए पहले देख लें कि शनि कुछ दे तो नहीं रहे, और जो जा रहा है, जो आ रहा है, सब हम सह लेंगे तो फिर आप ये उपाय। इस उपाय को करने से पूर्व आप अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा लें। जन्म पत्री दिखाकर शनि की स्थिति जानकर फिर ये उपाय करें तो बेहतर होगा। कहीं अनजान पंडित, कहीं पोंगा पंडित ऐसे ही ये उपाय करवाने लगते हैं, जिससे व्यक्ति को बहुत गंभीर कष्ट हो जाता है। इसलिए ये उपाय बहुत ध्यान से करें और बहुत सोच समझ कर करें। कुंडली में शनि बहुत बुरा हो तभी करें। महा उपाय तो अब बताने वाले हैं हम आपको महा उपाय। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, अब हम बताएंगे महा उपाय। 100 ग्राम काला सुरमा एक पीस में, यानी एक डली में साबुत सुरमा किसी शमशान घाट में शनिवार के दिन दबा दें। काले रंग का सुरमा ले लीजिए एक डली में 100 ग्राम, उसे किसी शमशान घाट में जाकर गड्ढा खोद कर दबाना है। ऐसा 8 शनिवार करना है, परंतु ध्यान रहे ऐसा करते वक्त कोई आपको टोके ना कि आप क्या कर रहे हो, वरना उपाय गलत माना जाएगा। इसलिए शमशान घाट या किसी सुनसान जगह, शमशान घाट नहीं है तो सुनसान जगह जा सकते हैं, वहां पर जाकर गड्ढा खोदिए। जिस चीज से गड्ढा खोदा है, पेचकस वगैरह से, वो भी वहीं फेंक आना है।
फिर उसमें सुरमा रखिए, फिर ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और फिर चुप करके अपने घर आ जाइए। आकर मुंह हाथ धोइए और खाना खुना खाइए। वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है और कहीं भी नहीं जाना है, सीधा निवास पर ही आना है। एक बार निवास पर आकर फिर कहीं भी जा सकते हैं। सुरमा दबाने के बाद कहीं रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने निवास पर आए। आकर मुंह हाथ धोएं, फिर कुछ खाएं। कार में यदि पानी पड़ा है तो पीना नहीं है, सीधा घर आना है। फैक्ट्री नहीं जाना है, दुकान पर नहीं जाना है, नौकरी पर नहीं जाना है, सीधा एक बार घर आना। सुरमा साबुत लेना है एक डली में, पिसा हुआ नहीं लेना है, तथा एक ही पीस में 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम से थोड़ा अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल काला सुरमा होना चाहिए, बिल्कुल काला। तो आप ये सुरमा लेंगे, दबाएंगे तो आपको शनि बिल्कुल शांत हो जाएंगे, यानी 0 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। ये उपाय सूर्य डूबने से पहले पहले करना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद किसी भी सूरत में ये उपाय ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। सावधान रहिए, बार बार कह रहा हूँ, सूर्य डूबने के बाद ये उपाय नहीं करना है, वरना नुकसान होगा। सूर्य डूबने से पहले कीजिए, अच्छे मन से कीजिए, अच्छे दिल से कीजिए, सूर्य डूबने के बाद मत। इस उपाय को करने से शनि के सभी प्रकार के फल, चाहे वे अच्छे हैं चाहे वे बुरे हैं, शांत हो जाते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि शनि यदि आपका नुकसान कर रहा है तो वह आपके जो है फल खत्म हो जाएंगे। यदि अच्छा कर रहा है तो ये उपाय करने से वह भी शांत हो जाएंगे, यानी ना अच्छे ना बुरे। अब आपने सोचना है कि ये उपाय करना है या नहीं करना है। यदि आप हमारे कार्यालय से जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जन्म पत्री कैसे दिखाई जाए, जन्म तारीख जन्म समय कैसे भेजा जाए, हम आपको कैसे बताएंगे, हम किस ढंग से आपको सारी प्रोडक्शन देंगे, ये आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9814450802। यह नंबर व्हाट्सएप पर है, आप लिखें, 24 घंटे इंतज़ार करें, जवाब आपको मिल जाएगा। इंतज़ार जरूर करना पड़ता है, परंतु जवाब अवश्य मिलता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारियां, हेल्थ टिप्स, ज्योतिष से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, शिरडी साईं बाबा से संबंधित, ध्यान कैसे लगाएं, हम भक्ति कैसे करें, परमात्मा को कैसे देखें, ये सब जानकारियां समय समय पर हम डालते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल ब्रिज मोहन सूरी के नाम से है। यूट्यूब पर आप लिखेंगे ब्रिज मोहन सूरी तो मेरा चैनल ये खुल जाएगा और बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, वह चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे भक्ति से संबंधित हो, चाहे रेकी से संबंधित हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, तो कृपया फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना सवाल लिखिए, मुझे भेज दीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। 24 से 30 घंटे लग सकते हैं, परंतु जवाब जरूर मिलेगा। तो आप इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री।